महाराष्ट्र टीवी 24 के ग्रामीण बुलेटिन में आपका स्वागत। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। एक शूटर लगा के गोली मारो मुझे और मार डालो, ऐसा आमदार चंद्रकांत पाटिल का सनसनीखेज बयान। रावेर पंचायत समिति के 20% और 10% उपकर व्यक्तिगत लाभ योजना में भारी गड़बड़ी के नीले निशान सामाजिक संगठन ने की जांच की मांग। बल्लार शाह से यात्रियों को टिकट देने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। गोंदिया पैसेंजर ट्रेन को बल्लार शाह तक चलाने की मांग। रामटेक में कृषि उत्पादन बाजार समिति में हरी मिर्च की बिक्री एवं खरीदी का शुभारंभ। और बढ़ते हैं अभी अहम खबरों की ओर। अब खबर है जलगांव जिले के बोदवड़ से, जहां राष्ट्रवादी के नेता पूर्व मंत्री एकनाथराव खड़से ने विधायक चंद्रकांत पाटिल पे लगाए आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उसके बाद विधायक चंद्रकांत पाटिल ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि मुझे तीसरे पक्ष के युवाओं के मैदान में मत खींचो, आप अभी भी हार को पचा नहीं पा रहे हो। यह तो जग जाहिर है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तब आप कितने फिरौती लेते थे, इसलिए खुद शरद पवार ने आपको समझौता करने वाला बताया था। ऐसा विधायक चंद्रकांत पाटिल ने एकनाथराव खड़से पर जोरदार हमला बोला। मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूं और मेरी जरूरतें कम हैं। आप चाहे तो मुझे गोली मार सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। देखिए विधायक चंद्रकांत पाटिल की बेहद सनसनीखेज बातें। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए संतोष कोसोदे, जलगांव। तुम्हें ऐकलं असेल तुझ्यापर्यंत ते क्लिप आली असेल, नसेल आली तर आमच्या घरून घे, फिरवा, सांगा जनतेला काय क्लिप आहे ती। एका बाईच्या नवऱ्याला फोन करत आली आहे ना, त्याला जास्त सांगायचं नवऱ्याला फोन करून सांगतो त्याच्या, आणि सांगतो काय झालं त्या बाईकवर, बाईक ठेवतो त्या कोण बाई, अरे अशी अशी बाई ना, याची बाईक होती, काय करणार ना बाईला आणून, पुढचं वाक्य मिळायचं तिकली का बायकांना पण ऐकतो। ती यासाठी ऐका की माझ्या विधानसभेच्या वेळेस मी सांगितलं होतं तुमच्या पोरीबाळी सुरक्षित राहणार नाही, सांगितलं रात्री बेरात्री फोन करून बायकांना आमच्याकडे पाठवा अशी मागणी करणारे माणसं मी या मतदारसंघात पहिल्यांदा पहिल्या ती क्लिप आपल्याकडे दोन क्लिप आहे। एक आमदार मित्र आहे जळगावचा, आपल्या भुसावळ मुक्ताई नगरचा, त्याला फोन केला, त्याला फोन करून त्याला आत्ताची गोष्ट आहे, आत्ताची फार झालं असेल तर 3 महिने झाले असते, त्याला हे सांगितलं म्हणजे की असं असं आहे, म्हणजे कुठे पाठव त्या बायकोला पाठवलं, कुठे पाठवलं तुम्हाला आमदाराला पाठवलं तर हो इकडे पाठवलं, मी कुठे नाही बोलत, पोलीस स्टेशनला इथे तक्रार नोंद आहे, पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंद। जे आताचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील साहेब असतील, म्हणजे नगरविकास मंत्री असतील किंवा मुख्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून ह्या मतदारसंघाच्या मूलभूत गरजा सिंचनाची व्यवस्था असेल, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असेल, रस्ते कटरी असतील, शिवारातले रस्ते असेल, हे करण्यासाठी कमर तोड मेहनत करतो आहे, मी एक दिवस पण घरी थांबलेलो नाही आणि मी काम करतो आहे, हे तुमचं दुखणं आहे। त्या कामाच्या माध्यमातून काही लोक मला जोडायला लागले, चांगले लोक प्रतिनिधी प्रवेश करायला लागले, ही पण पोटशूर उठल्यासारखं आहे। या शिवसेनेशी मोठ्या अहंकाराने सांगितलं मी तोडली युती, मी केलं असं, एवढा अहंकारानं तुम्ही जेव्हा बोलतो आधी ते स्टेटमेंट पाहा, तुमचं तेवढं वाक्य पाहिलं तुमच्या मनातून तुमच्या चेहऱ्यावर किती अहंकार तो दिसतो, अहंकारी होऊन तुमचं सगळ्याकडे नाव आहे, तुमची उपयुक्त मूल्यता किती आणि उपद्रव मूल्यता किती तर सगळा जिल्हा तुम्हाला सांगेल तुम्ही त्या कोणत्या पद्धतीचे आहे। तुमचं सध्या डोकं ठिकाणावर मी मान्य करतो, मग तुमच्याशी आपुलकी केली आहे की तुम्ही पक्ष बदलल्यानंतर तुम्हाला आतापर्यंत काही मिळालेलं नाही आहे, आणि भेटते आहे तुम्हाला त्या भोसरीच्या संदर्भात पळापीठ, तुम्हाला कधी लपावं लागतं कधी छुपावं लागतं, कधी 3-3 वेळा तुम्ही त्या कोविडचे शिकार होता, आम्हाला अनुभूती तुमच्या बाबतीत 3-3 वेळा कोविड झालेला माझ्या मतदारसंघातला माणूस आहे, मला खऱ्या अर्थाने त्याविषयी सहानुभूती आहे। तुमच्या सहानुभूतीमध्ये एक लेवल सोडून बोलू नका, ही विनंती करण्यासाठी मी आज खऱ्या अर्थाने आपल्यासमोर आलेलो आहे। ती म्हण तुम्ही ऐकली असेल की ज्या गावाच्या पोरी त्याच गावाच्या बाबडी, म्हणून आता तुम्ही याच्या पुढे जर माझ्या संदर्भात असं काही बोललात तर मी लेवल सोडून बोलेल, मी आजही तुम्हाला अहोकाव करतोय, तुमचा मानपान ठेवण्यामध्ये जबाबदारी आहे। मी मधल्या काळात इलेक्शनमध्ये पुऱ्या भागात जाऊन माझं
कुठून आला कुठे पैदा झाला असं घाणेरडं घाणेरडं माझ्या फॅमिलीवर तुम्ही बोलला आजही त्याच्या हे मी कधी तुमचा अनादर केला नाही मी तुमच्या दोघी म्हणजे आमच्या कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे से सभी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे कोरोना की स्थिति में सुधार और अनलॉक की स्थिति में उपरांत स्पेशल ट्रेन शुरू की गई और हाल ही में लंबी प्रतीक्षा के बाद कई बार मांग करने के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया बल्लार शाह पैसेंजर शुरू की है। इस ट्रेन को बल्लार शाह तक आना था लेकिन इस ट्रेन को चांदा फोर्ट तक ही चलाया जा रहा है जिसके कारण यात्रियों को चांदा फोर्ट जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। इससे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गोंदिया पैसेंजर को बल्लार शाह तक भेजने और बल्लार शाह से यात्रियों को टिकट देने की मांग को लेकर चंद्रपुर जिला रेलवे यात्री एसोसिएशन बल्लारपुर के पदाधिकारियों द्वारा बल्लार शाह रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के जरिए वरिष्ठ मंडल रेलवे प्रबंधक को ज्ञापन भेजा गया। गोंदिया पैसेंजर शुरू होने के बाद पहले दिन बल्लार शाह पहुंची थी और बल्लार शाह से वापस लौटते समय यात्रियों को टिकट दी गई थी। ट्रेन शुरू होने से यात्री खुश नजर आ रहे थे लेकिन दूसरे दिन अचानक से यात्रियों को टिकट देना बंद कर दिया गया और यात्रियों को बताया गया कि अब गोंदिया बल्लार शाह ट्रेन चांदा फोर्ट तक ही आएगी। चांदा फोर्ट से बल्लार शाह के बीच के 15 किलोमीटर के अंतर के लिए यात्रियों को निजी वाहनों पर ट्रेन किराए से अधिक का खर्च करना पड़ रहा है, साथ ही शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ट्रेन को बल्लार शाह तक भेजने और यात्रियों को टिकट देने के लिए तैयार है, फिर भी मध्य रेलवे की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का हवाला देकर ट्रेन को चांदा फोर्ट तक शुरू किया गया। गोंदिया और बल्लार शाह महाराष्ट्र में ही आते हैं, एक मंडल को पूरी स्वतंत्रता और दूसरे मंडल पर प्रतिबंध क्यों है, इसी सवाल को लेकर ZRUCC सदस्य श्रीनिवास एन सुचवार ने रेलवे प्रशासन के कार्यप्रणाली के खिलाफ सख्त भूमिका लेते हुए गोंदिया पैसेंजर ट्रेन को बल्लार शाह तक चलाने की मांग की है। बल्लार शाह तक चलने वाली जो गोंदिया पैसेंजर पिछले कुछ दिनों से बल्लार शाह न आते हुए चांदा फोर्ट पे रुक रही है, कई संघर्ष होने के बाद बल्लार शाह में गोंदिया पैसेंजर चालू हुई थी, पर कोरोना काल में 1.5 साल के उपरांत वो ट्रेन बंद हुई थी। फिर पत्राचार करके इस क्षेत्र के भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय श्री हंसराज अहिर जी और अन्य अधिकारी गणों को पत्राचार करा के गोंदिया पैसेंजर को शुरू किया गया। एक ही दिन बल्लार शाह वो ट्रेन आई और दूसरे दिन से रेल प्रशासन के जोनल के विवाद के कारण दो अधिकारी दो जोनल के एक ट्रेन लेने को उत्सुक है, एक ट्रेन छोड़ने को उत्सुक नहीं है। ये लेने को तैयार नहीं मध्य रेलवे और ट्रेन छोड़ने को तैयार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इस दोनों के विवादों के कारण ट्रेन बल्लार शाह तक नहीं आई है। इसी का निवेदन देने के लिए हम यहाँ स्टेशन पे आए। चंद्रपुर जिला रेलवे अध्यक्ष बल्लार शाह तथा साथ में हमारे DHCC मेंबर विकास आजुलकर जी, स्टेशन नगर समिति गणेश सेदाने जी और हमारे सहयोगी सदस्य सभी यहाँ उपस्थित हुए। उनको निवेदन देकर हम शीघ्र अभी DRM मैडम से बात हुई है, 2-3 दिन में समस्या हल होने वाली है और गोंदिया गाड़ी बल्लार शाह तक आने वाली। महाराष्ट्र TV24 के लिए आकाश नामेवार, बल्लारपुर, चंद्रपुर। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्थापित की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित नागसेन हाई स्कूल नांदेड़ के प्रथम प्राचार्य और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी के साथ आम्बेडकरी आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले अशोक नवसागरे इनके प्रथम स्मृति दिन पर रमामाता बुद्ध विहार में महाविहार परिवार की ओर से अभिवादन सभा का आयोजन किया गया था। इस अभिवादन सभा में एडवोकेट दिगंबर मोरे, प्राचार्य नीतीश नवसागरे, प्राचार्य गणेशराज सोनाड़े, डॉक्टर सरिता सोनाड़े आदि मान्यवरों ने प्राचार्य अशोक नवसागरे इनके जीवन कार्य पर रोशनी डाली। इस अवसर पर शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक कवि की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है, मेरी आवाज़ का ही पर्दा है मेरे चेहरे पर, मेरी आवाज़ का ही पर्दा है मेरे चेहरे पर, मैं हूँ खामोश जहाँ वहाँ से मुझे सुनिए। जिस आदमी ने नागसेन वन में रहकर इतनी बड़ी शिक्षा पाई और बाबा साहब के विचारों के प्रचार एवं प्रसार के लिए सारी ज़िंदगी अपनी कुर्बान की और एक सच्चा आदमी, एक सच्चा इंसान बनकर उनके विचारों का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, उस आदमी के बारे में मुझ जैसे एक नाचीज़ के द्वारा क्या कहा जा सकेगा। मैं उनकी स्मृति में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके पथ पर हम आगे, उनके विचारों के पथ पर, बाबा साहब के विचारों के पथ पर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। प्राचार्य डॉक्टर अशोक नवसागरे सर, इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं
नवसागरी जी सर एक स्वयं में एक 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 स्वयंस्फूर्त यात्रा थी, एक विचार था, एक विचारधारा थी, और जो विचारधारा थी जो जन सामान्य की तरफ से सामाजिक स्तर से उठकर हम राजकीय स्तर पर जाकर हम राजकीय सत्ता में अपना सहभाग दे सके, इस तरह उनकी भावना थी, इसीलिए वह अपने कार्यरत थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, जय श्री कांशीराम जी की विचारधारा उन्होंने अपने साथ लेकर ही अपनी ज़िंदगी बसर की। मैं चाहती हूँ कि अशोक नवसागरी सर जी ने जो ऐसा अपना पूर्ण जीवन समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, शैक्षणिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, उसको ऊंचा उठाने के लिए कार्यरत है, उसी तरह आगे की पीढ़ी भी उनकी विचारधारा सामने लेकर जाए। नवसागरी सर के साथ में मैंने 34 साल काम किया हूँ। मान्यवर कांशीराम जी उनके घर पे आए थे और स्कूल में गए मान्यवर कांशीराम जी ने, और पूरे मराठवाड़े में उन्होंने जो कैडर कैंप लिए थे मान्यवर सीएम डोंगरे साहब और नवसागरी सर ने जो काम किया है कि फुले शाह अम्बेडकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश में शासन करनी जमात बन सकते हैं, ये मूवमेंट उन्होंने चलाई है। और मान्यवर कांशीराम जी के साथ में भारत देश में जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम चाकआउट होता है वहाँ कांशीराम के साथ में मान्यवर अग्रेसर ने काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तन मन धन से जो कोई आदेश मिलता है कांशीराम जी का कि वो आदेश के मुताबिक जो प्रोग्राम जो मिलता है तो मुताबिक उन्होंने काम किया है। मैं मराठवाड़े में 2200 किलोमीटर साइकिल चलाई तो उनके नेतृत्व में जो पैसा स्कूल उन्होंने दिए थे हमारे को, मैंने जब नांदेड़ से मुंबई साइकिल मार्च लेके गया तो जब बीच में नामांतर घोषित हो गया तो मान्यवर कांशीराम जी की जो मूवमेंट थी उन्होंने जो कहते थे कि जब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर नीला झंडा लेकर और जो लोग चुन कराएंगे एमएलए एमपी बनेंगे तो महाराष्ट्र के लोग नामांतर के बारे में सोचेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए सदाशिव गच्चे नांदेड़। रामटेक तालुका में बड़ी संख्या में मिर्च लगाई गई है। इस पृष्ठभूमि में हरी मिर्च की बिक्री और खरीदी रामटेक कृषि उपज मंडी समिति के रामटेक मुख्य बाजार परिसर में प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगी। सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रशासक कृषि उपज मंडी समिति रविंद्र वासु ने यह जानकारी दी है। 4 अक्टूबर 2021 को मंडी समिति के परिसर में मिर्ची बाजार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रामटेक तालुका कृषि खरीदी और बिक्री संघ के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कटा पूजन किया। उपाध्यक्ष त्रिलोक मेहर, किशोर रहांगडाले, सचिव हनुमंत महाजन, लेखाकार निक्की महाजन, वरिष्ठ लिपिक उमराव मेश्राम, मिर्च खरीदने वाले व्यापारी जयेंद्र कंगाली, विजय मदनकर और संजय माकड़े के साथ मिर्च उत्पादक किसान गंगाधर झाड़े, मनोज बोरीकर, जगन्नाथ गोलर, मोरेश्वर मदनकर उपस्थित थे। उद्घाटन के मौके पर किसानों का नारियल और दुपट्टा देकर सम्मान किया गया। मंडी समिति के सचिव हनुमंत महाजन ने कहा कि बाजार परिसर में किसानों द्वारा उत्पादित हरी मिर्च की फसल को उचित मूल्य, उचित वजन माप और नकद चुकारा दिया जाएगा। पहले दिन मिर्ची का भाव 27 रुपए प्रति किलो दिया गया। महाजन ने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ललित कनोजे, रामटेक। सावनेर में गांधी जयंती के अवसर पर हर वर्ष शहर के युवा समाज सेवी व भूतपूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटे तथा पत्नी वैशाली गोपाल घटे द्वारा शहर की जनता हेतु रक्तदान, पोस्ट कोविड टेस्ट, दमा, अस्थमा, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, आंखें, सीना आदि के साथ ही सर्दी खांसी आदि व्याधियों की निःशुल्क जाँच उपलब्ध करवाकर महात्मा गांधी तथा पूर्व पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही उत्साह से मनाई गई। इस वर्ष भी अक्टूबर में पावन पर्व पर इस भव्य रोग निदान शिविर का सफल आयोजन प्राचार्य साहेब विरखरे की अध्यक्षता तथा डॉक्टर पूर्णिमा केदार चिंच मलातपुरे की विशेष उपस्थिति तथा माजी जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, एडवोकेट श्रीकांत पांडे, डॉक्टर विजय घटे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल आदि मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न इस भव्य आयोजन का 551 नागरिकों ने लाभ लिया। वही शहर के 81 दानदाताओं ने रक्तदान कर आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर पूर्णिमा केदार चिंच मलातपुरे ने कहा कि सावनेर नगरी मेरे पिता सुनील केदार का गृह कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मुझे और मेरे परिवार को बहुत लगाव है। यहाँ की जनता ने हमारे परिवार को जो आशीर्वाद दिया है उसका ऋण चुकाना हमारा पहला कर्तव्य है। पिता सुनील केदार फिलहाल राज्य में मंत्री होने से अधिक व्यस्त रहते हैं। हमें भी मुलाकात हुए हफ्तों बीत जाते हैं। सोचा आज सावनेर के इस भव्य आयोजन में पापा से मुलाकात होगी, परंतु व्यस्तता का कारण वे आ ना सके।
सर्वप्रथम तो इस आयोजन के आयोजक गोपाल घटे व वैशाली ताई के लोकाभिमुख कार्य की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उनके द्वारा जारी समाज कार्य की पहचान आज जारी इस भव्य आयोजन से लगाई जा सकती है। आप एवं आपका परिवार ऐसे ही समाज कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा हर वर्ष लेते रहेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त कर कहा कि लोगों को लगता है कि कोरोना चला गया और उन्होंने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो हमारे एवं परिवार तथा देश के लिए घातक हो सकता है। इसलिए कोरोना में अभी काफ़ी कमी आई है, पर कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। जब तक हम कोरोना के पूरी तरह से खदेड़ नहीं देते, तब तक किसी भी प्रकार की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसलिए कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने की विनती इस अवसर पर की, तो वही इस आयोजन में अन्य उपस्थित वक्ताओं तथा मान्यवरों ने भी अपने विचार रख गोपाल घटे व वैशाली घटे के कार्यों की प्रशंसा की। डेंजरस है, फार घातक है। क हा शब्द आरोग्य एक कैंसर कर्करोग, दुसरा कोरोना। कोरोना हे खूप जास्ती घातक आहे आणि कोरोना हे आपल्याला सांगितलं आहे की आरोग्य बिल थोडं किती महत्वाचं आहे, बरोबर। आज तुम्ही बघत असाल की पहिली लाट आली कोरोनाची, तर फक्त वृद्ध जे होते त्यांना झालं, पण ही जी दुसरी लाट होती की तर जे यंगस्टर्स आहेत, जे तरुण मुलं आहेत, ज्यांचं आरोग्य बिल होतं, सगळ्या गोष्टी सगळ्या नीट चालत होते, त्यांना सुद्धा त्रास झाला। ते डॉक्टर्स ॲक्सेप्ट करतील इथे बसलेले, ते यांना पण खूप त्रास झाला। म्हणजे मी मला स्वतःला मी दोनदा कोरोना पॉझिटिव्ह होते, सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर मागच्या वर्षी। तर म्हणून कोरोना हे फार जास्त घातक आहे आणि याच्यात आपल्याला आरोग्यावरती लक्ष देणं खूप जास्ती गरजेचं आहे। म्हणून ही जी शिबिर आहे याचा नक्की तुम्ही लाभ घ्या। रक्त देणं, रक्तदान करणं हा फार मोठा पुण्याचं काम आहे। महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर। जिले के 7 तहसील में बाल कामगार प्रकल्प चलाए जा रहे थे, लेकिन कोरोना का दौर चलते यह प्रकल्प बंद कराए गए थे। राज्य भर में अनलॉक प्रक्रिया आरंभ होने के बाद सभी धार्मिक स्थल लगभग शुरू किए गए थे, लेकिन अब तक राष्ट्रीय बाल प्रकल्प शुरू नहीं किए गए हैं। यह प्रकल्प शीघ्र ही शुरू कर 9 से 14 आयु समूह के बाल कामगार बच्चों का सर्वेक्षण किया जाए। राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प के शिक्षक शिक्षकेतर स्वयं सेवकों का बकाया मानधन किया जाए। सभी प्रकल्पों के स्वयं सेवकों को अंशकालीन कर्मचारी के रूप में घोषित किया जाए। राष्ट्रीय बाल कामगार शुरू नहीं होने पर 90 स्वयं सेवकों का अन्य शासकीय नौकरियों में समायोजन किया जाए। अनशन में शामिल भीम ब्रिगेड संगठन के पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय बाल कामगार कर्मचारी मौजूद थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए राजेंद्र वाटाणे, अमरावती। पंचायत समिति उपकर 20% और 10% व्यक्तिगत लाभ योजना में वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 में बहुत सारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार देखा गया है। पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को 20% उपकर निधि से लाभ प्रदान करते समय उन्हें भौतिक लाभ नहीं दिया गया है, केवल पेपर बैकपैक बनाया गया है। आपूर्ति द्वार से सामग्री खरीदे बिना ही बिल दिया गया है एवं सामग्री वितरण पंजी पर हितग्राहियों के जाली हस्ताक्षर योजना को लागू करते समय नियमानुसार कोई ई निविदा जारी नहीं की गई थी। उपकर व्यक्तिगत लाभ योजना में भारी गड़बड़ी के नीले निशान सामाजिक संगठन ने जांच करने की मांग की है। 3 लाख रुपए से अधिक की सामग्री खरीदी करते समय रेट शीट लेकर सामग्री खरीदी करने वाले दस्तावेज दर्शाए गए हैं। व्यक्तिगत लाभ के साथ 90% अनुदान पर 10% महिला बाल कल्याण उपकर निधि से सामग्री की खरीदी नहीं की गई है। फर्जी बिल लेकर लाभार्थियों की सामग्री का वितरण नहीं किया गया है। दस्तावेज रिकॉर्ड तैयार कर लिए गए हैं। इस योजना से प्राप्त कमीशन को सभी सदस्यों द्वारा साझा किया गया है। यह सब प्रभारी समूह विकास अधिकारी हबीब तड़वी के कार्यकाल के दौरान किया गया है। शुरू की गई योजना के लिए लाभार्थी के आवेदन भी बुक नहीं किए गए, नाम दिखाए गए हैं। नीले निशान सामाजिक संगठन के अध्यक्ष आनंद बावस्कर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सामग्री वितरण रजिस्टर और बिल को देखते हुए इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या संदर्भात सांगायचं जर झालं तर वैयक्तिक लाभाच्या योजना या पंचायत समिती शेष फंडातून राबविण्यात आलेल्या आहेत। तर आम्ही त्यांना जी माहिती मागवलेली होती ती आपल्याला थोडक्यात त्या संदर्भात सांगतो की जी माहिती मागवलेली जी आम्ही की आपण या योजनेकरता जे लाभार्थी निवडलेले आहेत
ते लाभार्थी निवडत असताना आपण कुठले निकष लावले, ते लाभार्थी जेव्हा आपण निवडले तर त्यांचे अर्ज जे आपल्याजवळ आलेले आहेत लाभाच्या लाभ मिळवून घेण्याकरता, तर त्या अर्जाच्या प्रती आम्हाला दिल्या पाहिजे. तर बीडीओ मॅडमांनी आम्हाला 9 तारखेला एक पत्र दिलं आणि त्या पत्रात म्हटलेलं आहे की आम्ही लाभार्थ्यांना कुठल्याही वस्तू खरेदी करून दिलेल्या नाहीत. आम्ही डीबीटी कार्यप्रणाली अंतर्गत थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात रक्कम जमा केलेली आहे. तर आम्ही त्याच्यानंतर त्या अर्जाचा अभ्यास केला, त्यांनी जे आम्हाला पत्र पाठवलं त्याचा अभ्यास केला आणि नंतर आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलं. त्या निवेदनात आम्ही नमूद केलेलं आहे की मॅडम आपण डीबीटी कार्यप्रणाली अंतर्गत लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटला जी रक्कम जमा केलेली आहे तर लाभार्थ्यांनी ते लाभ मिळवून घेण्याकरता जे बिल आपल्याकडे वस्तू खरेदी केलेले जे बिल आपल्याकडे दिलेले असतील त्या बिलांच्या प्रति आम्हाला देण्यात यावे. महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए संतोष कोसोदे जलगाव. ग्रामीण बुलेटिन में वक्त हो चला है फिलहाल यही रुकने का. आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की खबरें. ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है. ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है. मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना. मम्मा साबुन से नहीं. हैंड नेचर ग्रीन का हैंड वॉश ये मारे हाथों के जम करता है प्रोटेक्ट. ये हैंड नेचर ग्रीन का हैंड वॉश ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520.